हमने का थाना में गणी सौ तो थाना को हम लोग बदमाश है जे, 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 हम लोग जाकर पकड़ के लेकर अंतर कर दे तो हम लोग बोले तो कहता है बोले जाओ पशुपालन विभाग में वहाँ से जाकर पूछ के आओ तब हम लोग ले गया पशुपालन विभाग कहता है बोले थाना में जाओ तो कहाँ कहाँ खोजी सौ गरीब गुरबा अमली बनी साढ़ के रखवारी करते मारता आ गाय का पटवा देता अमली का पटवा देता तो हम निकाह करी सौ दिक्कत यह बाजे गाय के सांड मार के एकर अगिला जंगा तूर दिला हमनी के गाय खड़ा भी नहीं खे हो पाव ना एकर कोनो इलाज के हमर लगे पैसा भी नहीं खे थाना में जाकर बड़ा बाबू के लगे रिपोर्ट करनी से तो कहा तरह का जे हमनी के सांड बकरी पकड़ता नहीं सर सांड दबला रहा था मैं 6-7 दिन भइल मुंह से बचनी 6-8-9 रुपया लागल बाह में बाह से उठल न जला गाय हमर मुंह से बचल चौकी पर सुतल रहनी चौकियो टूट गई बा उठा के फटक दलक आ दाब दलक मुंह से बचनी तब जाकर लोग दौड़ के आई दब साढ़ भागल तब दावत रहे यहाँ के उठावत रहे तो उठा के फेंक दिलक चौकी ओकी यहाँ के गिर गई नीचे तो हम गई नहीं उठे नहीं साढ़ के खेदनी सब पानी वानी झोंकनी सन तब भागल तब वो गाय के मार उड़ के भाग गए तो गाय अभी ले लेंगे रेले अच्छा ये गई हाँ ये गई यही वो साढ़ है जो सारे गायों को तबाह करके रखा है इतना खूनी है कि अगर ये घूम जाए तो ये मतलब मीडिया कर्मी को भी नहीं छोड़ेगा। नमस्कार हम राजा और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर चैनल झुलकू चंपारण। अगर अभी तक चैनल के सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाई। आज मोतिहारी जिला के अरेरा जनमल चटिया चिंतामनपुर पंचायत से एक ही बहुत ही बड़ा न्यूज सामने आ रहा है। यहाँ पर एक सांड जोन की बा आतंक फैला के रख दे बा लेकिन यहाँ पर क्षेत्रीय थाना मलाही में आवेदन ले गईला के बाद वहाँ पर क्षेत्रीय थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये बतावल गई कि ये जोन थाना के द्वारा ये सब कार्य ना होला इस कार्य के जोन की पशुपालन विभाग के सौंप दिया लेकिन अरेराज में पशुपालन विभाग के पास जा करके बात कैला के बाद वहां से जवाब ये मिल रहा बा कि पशुपालन विभाग जोन की बात सिर्फ इलाज करे के हाल जानता ना कि वहां जाके सांड पकड़े के एक आदमी से कुछ नहीं हो सकता। देखिए हमने का गाय पोसता इंसान हमने का ओकर से कोनो प्रॉफिट नहीं खे होत का है अब काहे नहीं क्या हो जो हाँ सांड आवता मार देता तो हमने का थाना में गणी सौ तो थाना को हम लोग बदमाश है जे, 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 हम लोग जाकर पकड़ के लेकर अंतर कर दे तो हम लोग बोले तो कहता है बोले जाओ पशुपालन विभाग में वहाँ से जाकर पूछ के आओ तब हम लोग ले गया पशुपालन विभाग कहता है बोले थाना में जाओ तो कहाँ कहाँ जाएगा खोजी सर हमने का माल जाए खोल के बेला दी सर तब हम निकल सुनी आखिर काम नहीं जाए सुनो कौन सुनवाई नहीं कर के आके देखिए हमारा भाई के गाय दिक्कत यह बाजे गाय के सांड मार के एक अगिला जंगा तूर दिला कहाँ भी आ रहा बरल भी आ सामने देखी लगिन हम रहे घर में आके मर लगा देखी लगिन है ये गाय है गाय है ये पूरा टूट गई भाई हमनी के गाय खड़ा भी नहीं खे हो पाव ना एकर कोनो इलाज के हमर लगे पैसा भी नहीं खे गाय में लगा देनी थाना में आवेदन आवेदन ना देनी है गाय गाय सांड के बारे में थाना में जाके बड़ा बाबू के लगे रिपोर्ट करनी से तो कहा तरह का जो हमनी के सांड बकरी पकड़ तनी सर चारों साइड हमनी के प्रत्याशी के लगे सरपंच के लगे सब कोई के लगे मुखिया के लगे सब कोई से लगे जाता है सब लोग कहा चलो जो हमनी का करी सन चंदा बिटोर के पकड़वाई सर वन विभाग में बतैनी है वन विभाग में भी बोलल बा कोई असर नहीं खे कोनो सब नहीं क्या कहलक वन विभाग वाला थाना से रिपोर्ट लेवे के थाना वाला कहते हम क्या कर सकते हैं थाना वाला कह रहा है कि वन विभाग वाले का काम है पशुपालन विभाग पशुपालन वाले का नहीं देखा था नहीं लगिन गाय के दशा गाय को पता ना कब मर जाए कब का हो यही देखिए यही घर का हमारा दशा है यही में बिछावना यही में लेदी यही में कल यही में सुतल बैठल गाय के दशा हमने के सांड का कोई ले भाई 35,000 रुपया कर्जा लेके गाय किने रहनी और बेटियों के पेट पर लात भरा गए छोटा छोटा बाल बच्चा बड़ा सा दो तीन गो कनी के आधार खत्म हो गए गरीब गुरबा अमली बनी सांड के रखवारी करते सांड मारता आ गाय का पटवा देता अमली का पटवा देता तो हम निकाह करी सो केहू बा अमली के देखे वाला धरती पर केहू सुनवाई नहीं खे कर सांड के बारे में सांड दबला रहा था मैं 6-7 दिन भइल मुंह से बचनी 6-8-9 रुपया लागल बाह में बाह से उठल न जला गाय हमर मुंह से बचल चौकी पर सुतल रहनी चौकियो टूट गई बा चौकी का पौआ टूट गई तो ईटा धर डर गाय के मारे के डर लगल बनी उठा के पटक दलक आ दाब दलक मुँह से बचनी तब जाकर लोग दौड़ के आई दब सांड भागल तब तब यहाँ से खड़ा भी लोग आए तब जाके हाँ तब बचल तो मुहर कर दी और 6-7 हज़ार रुपया तो लागे ये बाँस से उठल न जला अच्छा 6-7 हज़ार रुपया हाँ आ गायों का होते लंगड़ा थी या गाय होते दबला रहा था वो गायों बचल भी है।
गायों के मरले पर गाय से लोग रहती जगह सांड दबले रहा था हाँ ये लड़का बैठे पांचर में ये बच्चा उल्लक न तो हम दोरे पर मोर गए अच्छा ये लड़का हाँ ये लड़का बाबू कब तो मालूम चला कि यहाँ के मरले जब यहाँ के चिले ही नहीं तो हम लाठी उठी लेके आई नहीं मारे ला तो देखने की जे ये थी करत रहे दावत रहे यहाँ के उठावत रहे तो उठा के फेंक दिलक चौकी ओकी यहाँ के गिर गई नीचे तो हम गई नहीं उठे नहीं साढ़ के खेदनी सब पानी वानी झोंकनी सन तब भाग तब वो गाय के मार उड़ के भाग गए गाय अभी ले लेंगड़े ले अच्छा ये गई है ये रात भर इस साढ़ चक्कर करता है चारों ओर और गर्मी का दिन आ गया अब बाहर बना जाएगा माल अब बताइए कि हम लोग क्या करें उस साढ़ के मारे तो हम लोग परेशान हैं कोई ठो गाय को मुंगा दिया तो आप लोग मिल के वन विभाग में सूचना नहीं दिए हैं दिया है लेकिन कोई एक्शन नहीं किया है थाना होना में थाना में भी गए थाना एक्शन नहीं लिया साढ़ के चलते है ढटर लागल बस भाई इतना ना परेशानी बाकी रात के दिन के जब मन करता तब चला होता सब माल सब के भीतर बांध बांध के ढटर लागल बा खूंटा देखी लोगन तूर दिल बटे लेकिन एक कोनो कार्रवाई करे कोई लोग नहीं के थाना पर जाइल जाता तो कहता लोग मवेशी अस्पताल पशुपालन विभाग में जाइए का तो हम लोग क्या कहाँ कहाँ जाए सब चारों तरफ घूम कर और थक गए हैं साढ़ के कहर से हम लोग इधर गाड़ी लगा है नहीं गाड़ी लगा कर देखिए बांस लगा कर सब बांधा गया है इसमें और माल सब अंदर में रखा जा रहा है दिन को और रात को ये जो साढ़ आप देख रहे हैं यही वो साढ़ है जो सारे गायों को तबाह करके रखा है इतना खूनी है कि अगर ये घूम जाए तो ये मतलब मीडिया कर्मी को भी नहीं छोड़ेगा देखिए कितना भारी है इसका देखिए अभी भाग रहा है जैसे कि हम लिए हुए हैं लाठी इसीलिए भाग रहा है नहीं तो ये पीछे घूम के इतना तेज मारता कि आदमी दोबारा देखिए वो किस तरह ही उखाड़ दिया काठी को उखाड़ दिया देखिए भाग रहा है कैसे यहाँ आदमी भी दहशत में जैसे कि हमारा पंचायत के बहुत सारा लोग के जख्मी कर चुका बताए ऐसे ही चैनल से बना रही और न्यूज के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी ताकि वो लोग तक पहुंचे जोन की एबरा चटिया चिंतामणपुर पंचायत के जनता तबाह भाई को साण के चलते और यहां पर प्रशासन के द्वारा कोनो भी पशुपालन विभाग फॉरेस्ट विभाग के द्वारा यहां पर अभी तक आदमी ना पहुंचे लगभग 25 दिन पहले यहां के जनता बता रहा है कि लगभग 25 दिन पहले वन विभाग के सूचना देहला के बावजूद एक पत्रकार के माध्यम से सूचना देहला के बावजूद भी वन विभाग के टीम अभी तक 25 दिन बीत चुकल चटिया चिंतामणपुर पंचायत में ना पहुंचे लेकिन वन विभाग बता रहा बा कि पशुपालन विभाग के पास गए के बाद पशुपालन विभाग बता रहा बा कि ये काम बा प्रशासन बता रहा बा पशुपालन विभाग के थे तीनों में जौन की बा विभाग में अटक चुकल बा चटिया चिंतामणपुर पंचायत के लोग तो ऐसा ही हमारा चैनल से बना रही और चैनल के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाई और न्यूज़ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और न्यूज़ अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए जय हिंद जय भारत जय चंपारण।